Good morning, children. Today we will study how to draw angles. So before we start, I want to first show you the instrument that we will use to draw angles. Okay? The instrument that we use to draw angles is known as the protractor. The protractor is there in your geometry box. You can see, children, this is the protractor. Okay? Now, in this protractor, you see, the shape of the protractor is like a semicircle. Okay? It is like a semicircle, you see, like half of a circle. Okay? In this circle, children, in this semicircle, you have to see three things. Okay? Teen cheezon ka dhyan rakhna hai is protractor mein. The first one, children, is the middle point here. You see, here there is a middle point. Okay? ये इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है? दिस मिडिल पॉइंट. ओके, यू विल रिमेंबर, नंबर वन ये मिडिल पॉइंट. नंबर टू इज दिस लाइन. डू यू सी द लाइन? ये जो लाइन है सीधा, जो पॉइंट मिडिल वाला पॉइंट से गुजरता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. सो कौन सी दो चीजें अभी हो गई? ये मिडिल पॉइंट और ये लाइन. ओके, सभी प्रोट्रैक्टर में ये लाइन और ये मिडिल पॉइंट होता है. किसी किसी प्रोट्रैक्टर में अलग हो सकता है, यहाँ थोड़ा प्लास्टिक का ऐसे गोल सा हो सकता है, लेकिन सब में वो मिडिल पॉइंट होगा. राइट? सो टू थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल. वन इज दिस मिडिल पॉइंट एंड द अदर इज दिस लाइन, ये वाला सीधा वाला जो लाइन है. ओके, नाउ ये दोनों के बाद हम लोग आएंगे प्रोट्रैक्टर के साइड में. साइड में कुछ नंबर्स है. ओके, इफ यू सी, बिल्कुल पास से अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये जीरो, ओके, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, सेवेंटी, एट्टी, नाइन्टी, हंड्रेड, हंड्रेड टेन, हंड्रेड ट्वेंटी, हंड्रेड थर्टी, हंड्रेड फोर्टी, हंड्रेड फिफ्टी, हंड्रेड सिक्सटी, हंड्रेड सेवेंटी, हंड्रेड एट्टी, हंड्रेड एट्टी तक ये नंबर है. अपना प्रोट्रैक्टर निकाल कर देखना, यहाँ जीरो, दैट मीन्स राइट में जीरो से शुरू होकर लेफ्ट में 180 तक. ओके, उसी तरह इन द सेम वे बाहर की तरफ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, जीरो से शुरू होकर 180 तक है यहाँ बाहर. इसका मतलब दो स्केल्स होता है. ओके, हमारे प्रोट्रैक्टर में दो स्केल है. एक इनर स्केल है अंदर की तरफ वाला स्केल जीरो, राइट साइड में जीरो से शुरू होकर लेफ्ट में 180 तक जाता है. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोस टिल 180. बाहर वाला जो स्केल है वो जीरो से शुरू होकर, वो लेफ्ट में जीरो उसका शुरू होगा और बाहर से होकर वो 180 जाएगा. ओके, एक स्केल अंदर है जो इनर स्केल है, उसको हम इनर स्केल बोलते हैं. वो अंदर वाला स्केल जो है ये जीरो से लेकर 180 इस तरफ, और आउटर स्केल जो है बाहर वाला स्केल वो जीरो से 180 इस तरफ. ओके, अभी जो हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे उसमें हम ये बाहर वाला जो स्केल है, बाहर यहाँ से जो जीरो शुरू होता है और ये जो 180 है ये हम टच नहीं करेंगे, इसके तरफ हम देखेंगे नहीं. राइट? अभी जो हम काम करेंगे वो सिर्फ इनर वाला स्केल से, यानी ये जो यहाँ जो जीरो शुरू होता है, राइट साइड में जो जीरो शुरू होता है, जीरो, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, ये जो शुरू होता है सिर्फ इसी को यूज करेंगे. ओके, सो थ्री थिंग्स क्या क्या याद करना है? वन इज द मिडिल पॉइंट, द सेकेंड इज दिस लाइन, एंड द थर्ड इज द इनर स्केल. ओके, किसी भी कारण से बाहर वाले स्केल को नहीं देखना है. अभी हम बाहर वाला स्केल यूज नहीं करेंगे. ओके, सो डोंट लुक एट दिस आउटर स्केल. You will look only at the inner scale. Is it clear? So three things. What are the three things? Ab khud hi bolo. The middle point, this line, and the inner scale. Okay. Now children, let us start drawing angles. So first kya hota hai? Question mein koi ek number hoga. Koi ek number diya rahega angle ka. Okay. So let me first do it like this. This is number one. So number one, I will write say 40 degree. Okay? मुझे 40 degree दिया है.
40 डिग्री मुझे ड्रॉ करना है, आई हैव टू ड्रॉ 40 डिग्री. सो 40, ये मैंने पहले ही बोला था, डिग्री का ये साइन है, इट इज अ स्मॉल ओ ऑन द टॉप, ऊपर लिखना है ये जीरो. ओके, सो दिस कैसे हम इसको पढ़ेंगे, 40 डिग्री. सो मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है 40 डिग्री. सो पहले मैंने क्या बोला था, स्केल रखोगे, देन अ शार्पेंड पेंसिल, पेंसिल शार्प होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए हाथ में, और ये हमारा प्रोट्रैक्टर, ये चार चीजें अभी हमको चाहिए. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट यू नो नाउ एंगल के लिए तो दो लाइन चाहिए ही, तो पहला एक लाइन मैं बना दूं, लाइन का कोई भी लेंथ हो सकता है, लंबा छोटा बड़ा. सो ये मैंने एक लाइन बना दिया, लाइन बनाने के साथ साथ क्या करना है, एक एरो दे देना है, बिकॉज अ लाइन इज एंडलेस. ठीक है, लाइन का कोई एंड नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ पर एक एरो दिया है. अब मेरा प्रोट्रैक्टर का काम आएगा. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, और ये चीज़ ध्यान से देखो. तो मैंने पहले क्या बोला था, थ्री थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, दिस मिडिल लाइन, दिस मिडिल पॉइंट एंड दिस लाइन. अब मुझे ये मिडिल पॉइंट का क्या करना है, ये जो मिडिल पॉइंट है चिल्ड्रन, ये जो मेरा लाइन मेरा स्टार्ट हुआ है ना, देखो मेरा लाइन कहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर लाइन स्टार्ट हुआ है, ये मिडिल, ये जो पॉइंट है और ये जो प्रोट्रैक्टर का पॉइंट है, प्रोट्रैक्टर का जो मिडिल पॉइंट है वो एक जगह में आना चाहिए. सो सी, ये देखो मैंने एकदम एग्जैक्टली यहाँ रखा है, मैंने ठीक रखा कि नहीं, खुद ही बताओ. अगर मैंने यहाँ रखा होता तो देखो मेरा लाइन का पॉइंट और ये मिडिल पॉइंट अलग अलग हो गए, तो ये सही रखना हुआ, ये सही रखना नहीं हुआ, ये गलत रखना हुआ. सो अभी व्हाट आई विल डू, एकदम मिडिल पॉइंट और ये पॉइंट एक साथ. ओके, लाइन का पॉइंट और प्रोट्रैक्टर का पॉइंट एक साथ, प्रोट्रैक्टर ऊपर लाइन नीचे. उसके बाद ये देखो, अगर मैंने ऐसे रखा तो ये गलत है, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन और जो मिडिल वाला जो लाइन मैंने शुरू में दिखाया था, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ होने चाहिए एग्जैक्टली. अब देखो मेन, मैंने जो ये लाइन ड्रॉ किया था और प्रोट्रैक्टर का जो लाइन है बिल्कुल एक के ऊपर एक है, मैंने जो लाइन ड्रॉ किया था वो दिख ही नहीं रहा है, राइट? ये है इसका करेक्ट पॉइंट. अगर मैं ऐसे कर दूं सही होगा, नहीं होगा, बिकॉज मिडिल पॉइंट शिफ्ट हो गया. देखा, ये मिडिल पॉइंट शिफ्ट हो गया, ये मिडिल पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होगा प्रोट्रैक्टर, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट और ये लाइन. ये चीज अगर सीख लिया तो एंगल बनाना समझ लो आ गया. ठीक है, सो मिडिल पॉइंट ओवर द मिडिल पॉइंट एंड दिस लाइन ओवर दिस लाइन, क्लियर? अब देखो अगर मैं, मुझे क्या करना है पता है, मुझे अब ये लेफ्ट हैंड से ये मुझे प्रोट्रैक्टर पकड़ लेना है, क्योंकि अब ये प्रोट्रैक्टर नहीं हिलना चाहिए, पोजीशन बन गया है मिडिल ओवर मिडिल, लाइन ओवर लाइन, अब ये प्रोट्रैक्टर नहीं हिलना चाहिए. अब मुझे क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 40 डिग्री. ओके, सो मेरा काम क्या है, मुझे बाहर का स्केल बिल्कुल नहीं देखना है. ठीक है, मेरा लाइन के साथ कौन जीरो है, ये जीरो मेरे लाइन के साथ है, ये जीरो मुझे देखना है, मेरे लाइन के साथ जो जीरो है मुझे उसको देखना है. ठीक है, और मुझे यहाँ से 40 काउंट करना है, 0, 10, 20, 30, 40. तो मेरा 40 आ गया, ये है मेरा 40. ओके, 40 और 140 जो होगा वो एक ही लाइन में होगा, देखा? और ये 40 से यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है, यानी मैंने कहाँ पॉइंट लगाया है, पॉइंट मैंने सीधा सीधा 40 के यहाँ लगाया है, राइट? बाहर वाला स्केल देखना ही नहीं, सिर्फ अंदर वाला स्केल, 40 के सीधा मैंने एक पॉइंट लगा दिया, मेरा प्रोट्रैक्टर का काम खत्म, मैंने प्रोट्रैक्टर हटा दिया है. ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे ज्वाइन करना है, सो आई विल यूज द स्केल एंड आई विल ज्वाइन दिस पॉइंट्स. सो लेट मी ज्वाइन दिस पॉइंट्स, सिंगल लाइन, कोई ओवर ड्रॉइंग नहीं, लाइन है इसीलिए मैंने इसको एरो, ये लाइन जितना भी लंबा जा सकता है. ओके, इसका कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, छोटा या बड़ा जितना भी लेंथ में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ देखो एंगल बन गया, एंगल का क्या कंडीशन था, यू शुड हैव टू लाइंस एंड यू शुड हैव अ मीटिंग पॉइंट, तो हमारा एंगल बन गया. अब एंगल बनने के बाद हमें क्या करना है पता है, हमें नाम देना है. सो ये तीन पॉइंट्स का मुझे नाम देना पड़ेगा, सो लेट मी टेक एनी अदर अल्फाबेट, पी क्यू
आर, ओके। और मुझे एंगल कैसे दिखाना है, मुझे एंगल ऐसे दिखाना है, क्लियर। सो नाउ व्हाट इज माय एंगल, माय एंगल इज एंगल पी क्यू आर। एंगल लिखना मैंने सिखाया था, क्यू हमेशा बीच में आएगा, पी क्यू आर। और इस एंगल का मेरा वैल्यू कितना है, इस एंगल का वैल्यू मेरा है 40 डिग्री, ओके। सो मेरा एंगल बन गया 40 डिग्री, एंगल बन गया, ओके। और एक एंगल मैं दिखाती हूँ अभी, एक और दूसरा एंगल ले लेते हैं, लेट अस टेक से एंगल 110 डिग्री, ओके 110 डिग्री। सो 110 डिग्री चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू ड्रॉ। सो सेम करना क्या है, वन हंड्रेड टेन डिग्री के लिए भी सेम प्रोसेस। फर्स्ट पहला काम सभी में एक ही है, आई विल टेक अ लाइन, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, ओके। लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ मुझे क्या करना है, लाइन में एरो देना है, लाइन का एंड यहाँ पर है, सो मैंने ये एरो दे दिया, ओके। एरो देने के बाद क्या करना है मुझे, प्रोट्रैक्टर रखना है, प्रोट्रैक्टर रखना तो सीख गए अभी। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट में मेरा प्रोट्रैक्टर रहेगा, इसका मिडिल जो पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट देखो एग्जैक्टली मैंने वहाँ रखा, और ये लाइन को मेरे लाइन के साथ मिला देना है बिल्कुल ऐसे, ओके। ये पार्ट हो गया, मतलब एंगल का हाफ पार्ट डन, यहाँ गलती मतलब पूरा एंगल गलत, ओके। सो दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मेरा एंगल कितना था, मुझे 110 लेना था। सो 110 के लिए मेरा इनर स्केल देखना है, बाहर बिल्कुल नहीं देखना है, ओनली द इनर स्केल, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ओके। 110 और 70 देखो एक ही लाइन में आता है, सो 110 मुझे देखना है, और 110 के यहाँ पर सीधा यहाँ पर मुझे मार्क कर देना है, ओके। मार्क करने के साथ साथ मुझे निकाल लिया मैंने, और निकालने के बाद मुझे ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्लियर। एंड नाउ आई विल ड्रॉ दिस एरो, और फिर क्या काम है मुझे, इनको नाम देना है, वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो लेट मी गिव लेटर्स एस टी यू, ओके। और क्या करना है मुझे, ऐसे इसको दे देना है, राइट। सो क्या हो गया, ये मेरा एंगल का क्या नाम है मेरा इस बार, एस टी यू। सो दिस इज माई एंगल एस टी यू, और एंगल का मेरा कितना वैल्यू है, एंगल का वैल्यू है 110 डिग्री, ओके चिल्ड्रन। एंगल बनाना आ गया होगा, हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखकर समझ लेना, ओके। बाय बाय।